बीते दिनों दे विच ही पटवारी मुलाजमां अते मुख्यमंत्री भगवंत मान की तिखी बहसबाजी हो रही है ते इस गल नूं मुख रखदे होए बिक्रम सिंह मजीठिया दा इक वड्डा बयान सामने आया है ते दूजे पासे उह पटवारियां दे हक दे विच आए ने ते उहनां दे वल्लों इह गल कही गई है कि हर एक इंसान नूं अपना हक रखण दी जिहड़ी फैसला है वह ले सकता है ते हर एक बंदे नूं अधिकार है कि वह अपनी आवाज़ उठाए ते मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों जो धमकी दित्ती गई है उसनूं लैके कोई हल नहीं है ते बिक्रम सिंह मजीठिया दे वल्लों इह गल कही गई कि जिद्दां पंचायतां भंग नूं लैके यू टर्न पंजाब सरकार ने किया उस तरह पटवारी मुलाजमान नूं लैके भी एक दिन जरूर किया जाएगा ते जिस तों बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत मान ते निशाने साधे ने। आओ सुणदे हां अगे पटवारियों नूं लैके बिक्रम सिंह मजीठिया का की कहना है। और लास्ट गल जेड़ा एसमा है इहदे वास्ते असीं पहिलां भी कह चुके हैं यह फैसला भी सरकार नूं वापस लेना पैना मुलाजमां दे नाल इस तरीके की बेइंसाफी धक्केशाही पहला NSA अज एसमा विदाउट वारंट्स विदाउट एनी नोटिस तुसीं किसे मुलाजम नूं उहदा अधिकार है डेमोक्रेसी च कलम छोड़ हड़ताल करनी पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करनी और ये आप जाके उहदे च शामिल होंदे रहे हैं पिछली सरकारां च भगवंत मान जी अज जदों कर रहे हैं ते उहनां ते आ ड्रकोनियन लॉ लाया जा रहा यह मानसिकता दर्शाउंदी है कि यह डिक्टेटरशिप वाली प्रवृत्ति मानसिकता भगवंत मान च किन्नी है। टू मर्डर डेमोक्रेसी और टू मर्डर इंस्टीट्यूशन दैट सेफगार्ड डेमोक्रेसी एवें फोटो पिछे ला लेंदे आ बाबा साहब अंबेडकर साहब की जो उस फोटो की तुसी असल सत्कार कर दे तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया की ने फिर उन्होंने भी सोच की सत्कार करो। वो तंग कुंग का नहीं मैं जवाब दिंदा जो बिट्टू का आजू फिर दो जो वे चमचे का आऊ अज तां वधाई दे रहे भरा अहीं तां इन्ना कल्ला इहनूं कहना चाहुंदे आ डरो मत राहुल गांधी वांगू ते लड्डू शड्डू तां खा लो ते छका दिओ इक दूजे दा अहीं तां कल्ला नूं इक दूजे दे मूंह च लड्डू पाउंदिआं दी फोटो मैं वेखणा चाहुंदा फिर मैं आपदी तैयारी दी गल करूं। हांजी ਉਹ ਭਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਡੂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈਏ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਜੰਪਿੰਗ ਦਾ ਗਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਡਰੋ ਮਤ ਫਿਰ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲੱਡੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਗਲਤ ਮਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਂਗੂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਊਗੀ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਯੂ ਟਰਨ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬੁਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਵਾਲੀ ਸੱਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਏਜੰਡਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਏਜੰਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਓ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੱਸੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੱਜੂ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਨਾ ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੱਜੂ ਇਹ ਫੇਰ ਇਹਦੀ ਦੀ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਉਮਤ ਐਵੇਂ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਚ ਬੜਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਭੱਜਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਗਲਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਵਨ ਥਿੰਗ ਯੂ ਮਸਟ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣਗੇ 1962 ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਾਸ ਬੋਰਨ ਇਟਸ ਆਲਮੋਸਟ 50-60 ਈਅਰ ਓਲਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਓਵਰਵਰਕਡ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਸਰਕਲ 'ਚ ਟੋਟਲ 1500 ਸਰਕਲ ਨੇ 4700 ਸ਼ਾਰਟਫਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਮਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਰੈਵਨਿਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰੈਵਨਿਊ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਾਈਲ ਰੈਕਮੈਂਡ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੂਅਨ ਗੱਲ ਤੇ ਐਸਮਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਐਸਮਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ
बगैर किसी गल से थोनू सीधे डिसमिसल है, अरेस्ट है, वन ईयर कैद है और फाइन है। इज दिस डेमोक्रेसी? इन्हों ग खिलाफ तो भाजपा न लड़ते, तो मैं लगता है उन्होंने बैटर वर्जन इतने लागू कर रहे। यही गल् मैं वेखदा स्टेज पर करते कि इंस्टीट्यूशन तबाह हो रही ने, सारी जी वैल एस्टैबलिश इंस्टीट्यूशन ने उन्होंने तबाह किया जा रहा, तो यह की कर रहे है? सो मैं थोक बजा के मुलाजमान के नाल इस मुद्दे से। घुगी तो BMW वाली जापदी है, घुगी वेखो ना, उही है बी ते डबल्यू, पता नहीं की बनाई जांदा। ये भी पैसे सेफ च रखनी चाहिए, बना के यही जी घुगी नहीं किसी की वेखी होनी चाहिए। वेखो तेरे ध्यान पता नहीं की काला माला पा जांदा। मैं तो अफसर इन्हों देना चाहिए बड़ा पुरस्कार राष्ट्रपति साहब नू, जिहड़ा घुगी नू समझ जांदे। ओह BMW वाली कहानी है भरा, जिम्मे जहाज से नहीं तो चढ़िया सी जर्मनी वाले, ओह जी कहानी समझो। ही पिछले कुछ दिनों से कश्मीर में जो सिख रहते हैं उन पे हमले की खबरें सामने आ रही हैं, आप चाहेंगे इसको केंद्र, क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, आप तो कश्मीर को सेंटर से देखे। देखो बिल्कुल, जो सारे देश में माइनॉरिटीज नू जिस तरीके नाल टारगेट किया जा रहा, आई कंडेम दैट एंड इट इज द जॉब ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, एंड जिथे स्टेट गवर्नमेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का सरकार चल रही है, इट इज देयर जॉब टू प्रोवाइड दैम सिक्योरिटी एंड इंश्योर देयर वेलफेयर। सो सुखबीर जी ने एक चिट्ठी भी लिखी थी PM को, ट्वीट भी कश्मीर बिल्कुल होनी चाहिए जी। अब जब रिजर्वेशन क्योंकि सारा कुछ नए सिरे से हो रहा है, तो हमारी जो क्योंकि उधर माइनॉरिटी में है सिख, तो उनके वास्ते भी सीट राखवा जरूर रखी जानी चाहिए। देखो बड़े अफसोस की गल है जी कि कोई पार्टी भी यह जे किसी इंसीडेंट नू यह गल कह के सारन की कोशिश करती है कि वह क्यों चुप है ते कल वह क्यों चुप सी। आई थिंक इंसानियत का घाल होवे किथे भी, और उस ते कोई पार्टी चुप रवे या एक्शन ना लवे वह बड़ा अनफॉर्चुनेट है। इंसानियत का सरकार सत्कार और धिया भैणा का सत्कार यह बड़ा वड्डा सरकारा दी जिम्मेवारी है, और दे शुड प्रोवाइड देम सिक्योरिटी, और जो बनता एक्शन है वह लेना चाहिए। बेसिकली जाना सी जी, डेलीगेशन जो मैनू दस रहे हैं वो इस करके रोकता गया, हले G20 का जेड़ा समिट हो रहा उदे करके अलाउ नहीं कर रहे, बट डेलीगेशन जरूर जाऊगा। जो गल मणिपुर दे मसले चे या नू दे मसले चे, आई वांट टू रीअश्योर आर क्रिश्चियन भाईचारा एंड साडे मुसलमान वीरां नू दैट श्रोमणी अकाली दल सरबत दा भला और सब दी सिक्योरिटी लई वचनबद्ध है, और जिथे भी किसी नाल धक्केशाही हो रही है वी आर गोइंग टू रेज दोज इशूज एंड वी विल वॉन्ट दैट द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स उन्हां नू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना।